What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 14 सितंबर 2020 मंडे है, सुबह के 8:33 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। आज के इंट्राडे लेवल्स होंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 11 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,464 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,426। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के रेंज के बीच में, और जैसे ही टुवर्ड्स साउथ नॉर्थ की तरफ ये बढ़ा तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,486 ये यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और नीचे जब ये आ रहा था तो एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, तो काफी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए। क्लोज भी एग्जैक्ट जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,464, फ्राइडे को एग्जैक्ट क्लोज भी हमारा ब्रेकआउट लेवल के पास बना, तो काफी एक्यूरेट लेवल फ्राइडे को भी साबित हुआ। एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिला था, 13 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। अगर फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कर दे तो 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड कर दे तो अराउंड 9,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे को यूएस मार्केट में देखें तो नासडैक 66 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था। यूरोपियन मार्केट्स में हमें मिला जुला कारोबार देखने को मिला था। यूरोपियन मार्केट्स लास्ट 3 वीक से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। एशियाई बाजार देखें आज तो एसजीएक्स निफ्टी 43 पॉइंट के पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स भी 173 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 295 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। तो इनमें से कोई भी एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। और उसी के साथ जो कि आप लगातार आपका एक डिमांड आया था कि कोई कोर्स हो तो बताए, तो इसके लिए स्पेशली एक कोर्स डिजाइन किया गया है टेक्निकल एनालिसिस तरीका, उसमें भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट जीरो अपस्टॉक्स फायरपैसा या फिर एंजल बुकिंग, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ से अकाउंट ओपनिंग शुरू हो जाएगी, आपको एक वेब पेज दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है, तो ऑनलाइन प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग की शुरू हो जाएगी। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है ताकि आपका क्लाइंट आईडी हम कंफर्म कर सके। तो ये एक ट्रेडिंग ऐप के बारे में एक छोटा सा वीकली इंट्रो था। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह वीकली चार्ट हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज किया था, और आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये 123.6% का ये जो लेवल है, यहाँ से इसने एक टर्न लिया था जो कि यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ था। हालांकि इसके बाद ये सिग्नल था, उसके बाद कंफर्मेशन मिलना जरूरी रहता, कंफर्मेशन के लिए इसका लो ब्रेक करके रेड कैंडल बनना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा था, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इसकी बात कही थी, 11,184 जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पास्ट में, अभी हो सकता है सपोर्ट का काम करे। तो लास्ट वीक एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट का इसने काम किया और ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। नीचे अगर देखे तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर बनने के यहाँ पर सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है। तो गोल्डन क्रॉस ओवर अगर बनता है और यहाँ से और ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स बढ़ता है और ये जो रेड कैंडल है इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में फिर से एक बार तेजी लौट सकती है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर सपोर्ट पे 11,200 क्रूशियल सपोर्ट होगा। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर अगर आप हमें कई वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था जब ये लॉन्ग बियरिश कैंडल बना था, और उसके बाद 61.8% का ये जो लेवल बन रहा है यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट करके अभी बाउंस बैक दिखाया। तो यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करने के बाद जो बाउंस बैक दिखाया, अगर मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल पैटर्न बना, यानी ये जो प्रीवियस बार है इसके हाई लो क्लोज के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई लो और क्लोज बना है। तो आप देख सकते हैं
इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हमने पास्ट वीडियोस में देखे। कुछ एग्जांपल अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो कैंडल बार है इसका हाई लो और क्लोज से नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो क्लोज ऊपर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर फ्राइडे को भी हमें एक हल्का सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। आज जैसे ग्लोबल क्यूज दिख रहे कि सभी SGX निफ्टी चाहे हो या फिर डाउ फ्यूचर हो अपसाइड मूव में देख रहे, तो हो सकता है यहाँ से और हमें तेजी देखने को मिले। अगर अभी हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस हाई और इस लो को पकड़ के ड्रॉ करें तो 50% का लेवल एग्जैक्ट फ्राइडे को यहाँ पर अचीव हुआ था। आप देख सकते हैं इसका हाई 50% के पास है, लो 38.2% के पास है। अभी अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो 61.8%, यानी जहाँ पर ये छोटा एक स्विंग हाई बनाए यहाँ पर 11,561 के पास हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करें। इसको अगर ब्रेक करता है लास्ट स्विंग हाई को तो यहाँ से और तेजी हमें देखने को मिल सकती है, और 11,800 एक रेजिस्टेंस हो सकता है जहाँ से ये फॉल आया, तो 11,800 हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा। अभी फिलहाल 11,561 के पास निफ्टी पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 11,500 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आर्ली चार्ट देखिए फ्राइडे का, तो आप देख सकते हैं ना ही यहाँ पर हायर हाई बन रहे ना ही हायर लोज बन रहे, तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला था। तो इसका ये जो अपर बैंड बन रहा है, इस रेंज का ये जो अपर बैंड बन रहा है, इसके पास R1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है। तो निफ्टी इंडेक्स को कम्फर्टेबली 11,498 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,526। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,523, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,544, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर टुवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है तो लो के पास ही पिवट पॉइंट का S1 का लेवल आ रहा है, यानी 11,423 को ब्रेक करने दीजिए कंफर्टेबली टुवर्ड साउथ की तरफ, तभी हमें इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो क्लब एरिया बन रहा है इन मूविंग एवरेजेस का, यानी 11,407, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,385, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।